हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफ्यूजन और इफ्यूजन का डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, डिफ्यूजन सबसे पहले। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में डिफ्यूजन और ओसमोसिस का डिफरेंस बताया है और दोनों का डिफिनेशन। तो अगर आपको उसका भी डिफरेंस देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैं उसका लिंक दे चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, डिफ्यूजन द टेंडेंसी ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल इन अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फ्रेंड्स, जो टेंडेंसी होता है, गुण होता है सॉलिड लिक्विड गैसियस मॉलिक्यूल्स का, कि जिधर अवेलेबल स्पेस है, जिधर खाली जगह है, उधर वो मिक्स हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इट इज ड्रिवन बाई रैंडम कैनेटिक मोशन। फ्रेंड्स, ये रैंडम कैनेटिक मोशन से ड्राइवन किया गया है, मतलब इस ये डिस्ट्रीब्यूट तो होता है लेकिन इसका कोई अपना पाथ नहीं होता है, ये जिग जैग पाथ में कहीं भी इधर उधर होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। फ्रेंड्स, डिफ्यूजन को हम लोग एक और तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज, डिफाइंड ऐसे हो सकता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट उसके हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है और इधर मेरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रियम्बल लगा दिया है ताकि दोनों सेपरेट रहे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रियम्बल हटाया उस वो डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन होने के बाद मैं देखूंगा, या आप लोग देखेंगे कि इसमें दोनों गैसेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं चारों तरफ, मतलब इक्वली चारों तरफ फैल चुके हैं। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल में स्प्रेडिंग ऑफ इंक व्हेन ए ड्रॉप ऑफ इट्स इज पुट इन ए ग्लास ऑफ वाटर। मान लीजिए कोई ग्लास में वाटर है आप रखें और उसमें आप इंक डालें, तो फ्रेंड्स कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि जो इंक है वो पूरे वाटर में घुल गया। तो फ्रेंड्स, वही है डिफ्यूजन। अब फ्रेंड्स, हम लोग ऑसमोसिस पढ़ेंगे, सॉरी इफ्यूजन पढ़ेंगे। इफ्यूजन इज द स्टेप ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर इन टू लोअर प्रेशर रीजन वैक्यूम वन बाई वन थ्रू ए पिन होल। मतलब फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो हायर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, लेकिन वन बाई वन जाएगा और पिन होल से होते हुए जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर इधर वैक्यूम है मतलब लोअर प्रेशर, और इधर आपको हीलियम है, हीलियम गैस, मतलब इधर हायर प्रेशर है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको पिन होल है, देख रहे होंगे कि जो मैंने प्रियम्बल लगाया है वो मैंने दो कलर से डिनोट किया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स जो पिन होल है इसको दर्शाने के लिए मैंने दो डिफरेंट कलर्स का यूज किया है ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिन होल है और इधर से इफ्यूजन करना स्टार्ट करेगा, इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये पिन होल की तरफ से आते हुए वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल अब आप लोग ले सकते हैं, ए ए पिन प्रिक इन ए बैलून, मतलब कोई बैलून आपने फुलाया और उसमें आपने देखेंगे एक दिन बाद या दो दिन बाद कि वो बैलून का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अब कैसे, आपने तो उसको टाई कर दिया है एकदम मजबूत से, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसका जो उसमें एकदम छोटे छोटे छिद्र होते हैं पिन प्रिक, उसी से हमेशा फ्रेंड्स पिन होल जैसा होता है छिद्र, उसी में से हमेशा आपको वन बाई वन एयर्स मॉलिक्यूल्स निकलते रहेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के कुछ ये वीडियो है हमारा डिफ्यूजन और इफ्यूजन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।